काम हमारा स्टार्ट हो चुका है। तीनों फैब्रिक जो है हमारे शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं। जो टॉप कवर होगा वो स्वेड लेदर के साथ होगा। उसके बाद आप ये देख रहे हैं ग्रीन कलर का लेदर भी है जो कि हाईलाइट का काम करेगा, और इसके अलावा कार्बन फाइबर वाली जो फिनिशिंग हमें चाहिए थी वो भी हमें मिल गई है। फाइनली मैं आपको दिखाऊंगा इसकी फिटिंग कैसी आ रही है, और साथ ही मुझे इसका प्राइस क्या पड़ा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। What's fresh everyone, welcome back to the channel। और आज के इस व्लॉग में कुछ नई चीज़ें हम करने वाले हैं। मैं आपको बताता हूँ कि हमारी बाइक की पूरी जो मॉडिफिकेशन थी वो कंप्लीट हो चुकी थी, बट सिर्फ एक चीज़ की कमी थी जो बार बार मुझे कहीं ना कहीं खटक रही थी, और वो थी हमारी सीट। यस, हमें अपनी सीट को मॉडिफाई करना था एंड कन्वर्ट करना था इनटू रेसिंग सीट, जो थोड़ी उसकी जैसे वाइब होती है, उसके जो कलर्स होते हैं, जो उसमें स्पार्कनेस होती है, हमें वो चीज़ चाहिए थी। क्योंकि अभी आप देखो तो जो बाय डिफ़ॉल्ट इसके साथ सीट आती है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, सोबर है, और हमें वो चेंज करनी थी। तो बहुत सारे ऑप्शंस थे मेरे सामने, और आई एम श्योर कि अगर आप एक सुपर बाइकर हो और आप भी हमेशा एक चाहते होंगे कि आप अपनी सीट्स को मॉडिफाई करो, तो आपके पास भी बहुत सारे ऑप्शन आते होंगे। और जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऑप्शन है वो है लुई मोटो की सीट्स। लुई मोटो बेसिकली एक इटालियन कंपनी है जो कि डिफरेंट ब्रांड्स की जो स्पोर्ट्स बाइक्स है उनके लिए कस्टमाइज सीट्स बनाती है, रेसिंग सीट्स बनाती है, और जिनके डिज़ाइन वर्ल्ड वाइड काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किए जाते हैं। तो यस, सबसे पहले मैं गया लुई मोटो के वेबसाइट पे, और वहाँ पे मैंने चेक किया जो प्राइस आ रही थी ZX4R ZX4RR की सीट्स की, वो आ रही थी तकरीबन $100 से स्टार्ट हो रही थी और $150 तक जा रही थी, प्लस इसमें $50 की शिपिंग थी। तो ये पड़ती है तकरीबन 12,000 से 18,000 के आसपास। ये सिर्फ आपका प्रोडक्ट है और उसकी शिपिंग है, और उसके बाद आपको ये प्रोडक्ट लेकर आना है इंडिया में, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कस्टम ड्यूटीज़। यस, यू हैव टू पे हैवी कस्टम ड्यूटीज़, वो एक मेजर प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि फिर आपकी सीट की जो प्राइस है वो जा सकती है 20-24 हज़ार तक। तो ये था फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन था हमारे पास अपना खुद का इंडियन ब्रांड वेंडेटा प्रोजेक्ट। यस, आई एम श्योर कि आप लोगों ने कई बार उसके बारे में देखा होगा, काफ़ी अच्छा काम करते हैं। उनसे भी काफ़ी मेरी बात हुई, काफ़ी डिस्कशन हुई है, और काफ़ी हमने डिज़ाइन एक्सचेंज किए, थॉट्स एक्सचेंज किए, बट समवेयर डाउन द लाइन मुझे उनके काफ़ी डिज़ाइन अच्छे लगे, बट समहाउ वो मेरी वाइब, जो हमारी बाइक है उसकी वाइब के साथ से नहीं जा रहे थे, और थोड़े से मुझे लगे कि वो कॉमन थोड़े ज़्यादा लग रहे थे, प्लस जो प्राइस मैं उसके लिए पे कर रहा था अराउंड 10,000 रुपीज़, वो भी मुझे कहीं ना कहीं लगा कि शायद वर्थ नहीं है, इसलिए मैंने उसको भी कहीं ना कहीं होल्ड पे रखा। दैट बिकेम माई प्लान बी, और मैंने सोचा क्यों नहीं मैं खुद से एक अच्छी सीट का डिज़ाइन फिगर आउट करूं। आई वेंट ऑन गूगल, काफ़ी सारी सीट्स देखी, कस्टमाइज सीट्स देखी, उनके डिज़ाइन देखे, एक दो डिज़ाइन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए, और उसके बाद मैंने अपने दोस्तों से इंक्वायरी करना स्टार्ट किया, तो मुझे पता चला कि गाज़ियाबाद मेरे घर से गुड़गांव से तकरीबन 1.5 घंटा दूर और तकरीबन 40 किलोमीटर दूर गाज़ियाबाद में एक भैया है जिनकी अपनी खुद की एक छोटा सा दुकान कह दो, आउटलेट कह दो, वहाँ पर वो कस्टमाइज सीट का काम करते हैं, और काफ़ी फेमस है स्पोर्ट्स बाइक या फिर सुपर स्पोर्ट्स बाइक जो होती है उनके सीट्स की कस्टमाइजेशन के लिए। और आई थिंक काफ़ी लोग प्रभजोत से लेके ओमकार खन्ना भाई, इन लोगों के भी मैंने बाद में वीडियो देखे, तो पता चला कि यस वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। आई थॉट टू गिव इट अ ट्राई, तो मैं भी जा रहा हूँ भैया के पास, मैंने डिज़ाइन उनके साथ ऑलरेडी शेयर कर लिया है। फैब्रिक मुझे क्या चाहिए, आई वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट, क्योंकि मेरे को कार्बन फिनिशिंग भी चाहिए उसमें, प्लस मुझे उसमें वाटर प्रूफिंग चाहिए कि कल को मेरी सीट के साथ कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली का मौसम कैसा है, यहाँ पर रेंस के टाइम में क्या प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है। तो वो सारी चीज़ें मैंने उनके साथ सॉर्ट कर ली है। प्राइस के बारे में ये बात करेंगे, वो डिपेंड करता है आप किस तरह का फैब्रिक यूज़ करते हो, तो मैंने बोल दिया जो बेस्ट फैब्रिक अवेलेबल हो मार्केट में मुझे वो फैब्रिक चाहिए, और जो बेस्ट सर्विसेज होगी आप मुझे वो दोगे, और उसके बाद भी जो तकरीबन मुझे लगता है जो मेरे को प्राइस पड़ने वाला है वो 4,000-5,000 के आसपास तक जा सकता है, हो सकता है, मतलब 2,500 से नॉर्मली ये सीट स्टार्ट हो जाती है। तो देखते हैं क्या फैब्रिक है, कैसा है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 4,000 तक में मेरा काम हो जाना चाहिए, अच्छा काम।
तो मैंने सोचा क्यों ना पहले लोकली ट्राई की जाए, अगर यहाँ पर नहीं समझ में आता फिर उसके बाद मैं अपना जो मैंने शॉर्टलिस्ट कर रखी थी वेबसाइट या फिर वो या फिर अपना वेंडेटा प्रोजेक्ट। और इसके अलावा यस गाइस टिप टॉप करके भी एक आउटलेट है अपना बॉम्बे में जो काफ़ी अच्छी सीट्स डिज़ाइन करता है, तो अगर आप बॉम्बे से हो तो आप उनको रेफ़र कर सकते हो। प्राइस बहुत रिजनेबल है उनके, उन्होंने मुझे कहा कि वो 4000 के आसपास में मेरे को ये मेरा डिज़ाइन सेम फैब्रिक में बनाकर दे देंगे, तो वो भी मेरे पास एक ऑप्शन है। अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो मे बी वी कैन गो विथ देम ऑल्सो। तो यस फाइनली निकल चुके हैं गाज़ियाबाद की तरफ, टाइम हो रहा है 2:22, एक्सपेक्टेड टाइम मेरे को लग रहा है कि 1.5 घंटे में मैं पहुँचूँगा, और कोशिश करेंगे कि अभी बज रहे हैं 2:30 तो हम 4 बजे तक पहुँच जाए, 1.5 घंटे का काम होगा। 6 बजे तक सारे काम ख़त्म करके अगर टाइम बचता है फिर हम जाएंगे करोल बाग, जो भी लीवर गार्ड्स हमें लगाने हैं हम वो लगाएंगे, और जो बाइक की हमारी रिम टेप्स है वो मुझे परमानेंट वाले लगाने हैं जो लॉन्ग लास्टिंग हो वो लगाएंगे। और अब मैं आपको सीधा मिलता हूँ गाज़ियाबाद में सीट के पास जाके नवयुग मार्केट में, ये हरीश सीट मेकर आई थिंक दैट्स द नेम ऑफ द शॉप, वहाँ जाकर मैं आपसे मिलता हूँ और वहाँ बात करते हैं। बाय द वे मौसम देखो गाइस, ये मौसम कितना बढ़िया हो रहा है, और बस धोखा ना दे जाए बारिश ना आ जाए, क्योंकि बहुत दूर है, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी बारिश अगर आ गई तो। राइडिंग शूज़ भी नहीं पहने हैं मैंने, पहने अपने नाइकी के स्नीकर्स, तो बारिश ना ही हो तो ज़्यादा बेटर है। हम दिल्ली वाला रूट पकड़ेंगे और फटाफट पहुँचते हैं गाज़ियाबाद, दैन उसके बाद मैं आपको वहाँ पर दिखाता हूँ कि किस तरह के फैब्रिक्स है, क्या प्राइस होने वाला और क्या डिज़ाइन हमने सेलेक्ट किए हैं। तो दोस्तों मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको ये भी दिखा दूँ कि कितनी प्रॉब्लम होती है जब आप एक अच्छे मौसम वाले दिन बाइक से निकलते हो दिल्ली की रोड्स पे। बहुत ट्रैफिक जैम, हद से ज़्यादा कंजेशन, और कहीं कहीं पे जो कल बारिश हुई है उसकी वजह से जो पानी कहीं पे कलेक्ट हो गया है उसकी वजह से और भी ज़्यादा प्रॉब्लम। हाँ देखो लेट्स एक्सपेक्ट कि मैं 4 बजे तक पहुंच जाऊं गाज़ियाबाद जहां पर मैं पहुंचना है। ऑलरेडी 3:08 हो गए हैं, स्पीड हमने बिल्कुल मेंटेन रखी है 60-70, और इस तरह के लंबे लंबे ट्रैफिक जाम, मतलब भगवान ही बचाए दिल्ली की जनता को इन सब ट्रैफिक जैम से। सबसे पहले तो यहाँ पे पहुँचना और उसके बाद इस पर्टिकुलर दुकान को ढूंढना। तो बेसिकली जैसे आप नवयुग मार्केट में पहुँचते हो आपको ये एक चौराहा मिलता है, वहाँ से आपको दिल्ली की तरफ से आते हुए आपको लेफ़्ट लेना है। मैं आगे निकल गया था इसलिए मैं वापस हो गया हूँ, तो सामने ही मेरे ख्याल से यहाँ पर हमें दिखाई दे देनी चाहिए, तो आई थिंक सामने ही यहाँ पर कहीं होनी चाहिए। आई थिंक ये सीट मेकर स्टिकर्स दिख गई है मुझे, तो यस हम पहुँच गए हैं। सो यस गाइस हम पहुंच चुके हैं। सो यस दिस इज़ हरीश बाइक कवर, एक बार यहाँ पर चेक कर लेते हैं, आपको फैब्रिक्स और बाकी सारी चीज़ें भी दिखा लेते हैं। फाइनली दुकान पे हम पहुंच चुके हैं। सो यस गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे शॉप पे, और काम हमारा स्टार्ट हो चुका है। तीनों फैब्रिक्स जो है हमारे शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं। जो टॉप कवर होगा वो स्वेड लेदर के साथ होगा, उसके बाद आपके देख रहे हैं ग्रीन कलर का लेदर भी है जो कि हाईलाइट का काम करेगा, और इसके अलावा कार्बन फाइबर वाली जो फिनिशिंग हमें चाहिए थी वो भी हमें मिल गई है। स्टिचिंग और मेजरमेंट का काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है जैसे कि आप देख सकते हो, और नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि स्टिच कैसा हो रहा है, उसका जो लग के कैसा लगता है, फिटिंग इसकी कैसे आती है। और गाइस फाइनली हमारी सीट प्रॉपर अपनी शेप में आती हुई, और जो सीट का कवर है मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा फिट होने वाला है, और इसके अलावा अभी तक जितना दिखने में लग रहा है वो काफ़ी प्रीमियम फील दे रहा है, तो आई थिंक वर्थ ही रहा यहाँ तक आना। और दूर है बट काम में कोई प्रॉब्लम नहीं, काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं लोग, और काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन वर्क है इनका, और परफेक्शन बहुत ज़्यादा है, मेरे को परफेक्शन काफ़ी और डिटेलिंग में काफ़ी मेरे को बिलीव है। फाइनली मैं आपको दिखाऊंगा इसकी फिटिंग कैसी आ रही है, और साथ ही मुझे इसका प्राइस क्या पड़ा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो
सो यस गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे बाइक में काम हो चुका है और मुझे ये बात अभी पता चली है कि जो इस दुकान की हिस्ट्री है वो 60-70 साल पुरानी है। जो भैया यहाँ पे काम कर रहे हैं उनके डैड का नाम हरीश था, उनके साथ ये लेगेसी चलती हुई आ रही है। टोटल जो कॉस्ट मुझे पड़ी है बहुत ही जेन्युइन पड़ी है, 2000 रुपीज़ में सारी फिटिंग और सारी चीज़ें कंप्लीट इंस्टॉलेशन के साथ मुझे पड़ी है और आई एम श्योर कि ये आपको भी काफ़ी पसंद आ रही होगी। आप भी यहाँ पर अपनी सुपर बाइक्स और बाइक्स को लेकर आ सकते हैं अपनी कस्टमाइज सीट्स के लिए, मॉडिफिकेशंस के लिए, और आई एम श्योर कि यू गोना लव इट। सो कमेंट से मुझे बताओ कि आपको सीट कैसी लगी, आपको डिज़ाइन कैसा लगा और आई एम श्योर कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। रेट करो इसको और साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन में आपको दुकान की लोकेशन है वो भी मैं आपको एड्रेस के साथ मेंशन कर दूंगा, सो दैट आप जैसे भाई जो बाकी अपनी बाइक और सुपर बाइक लेकर आना चाहते हैं इस जगह पे वो भी अपना काम करवा सके। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, टिल देन ड्राइव सेफ, स्टे सेफ, पीस।